आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक ऑपरेटर जैसे ही दे रखा है, अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है, ये तीनों कनेक्टेड हैं। तो हमें पूछा है कि डिपस्टॉप कॉक्स जो हैं ये वाले, ये ओपन हो जाएंगे तो प्रेशर इनसाइड द सिस्टम क्या होगा। तो ये देखो आइडियल गैस लॉ वाला हमारा क्वेश्चन है ये। तो हमारा आइडियल गैस लॉ जो होता है वो देखते हैं हम क्या होता है। वो हमारा होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, अज्यूम दैट लाइन्स कनेक्टिंग द बल्ब विद जीरो वॉल्यूम, ठीक है, दैट द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट एंड आइडियल गैस नेचर फॉर गैसेस, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये सब चीज़ें क्या हो गई हमारी, कॉन्स्टेंट हो गई यहाँ पे, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारा पी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल होगा वो पी फाइनल वॉल्यूम फाइनल के इक्वल होगा, है ना। इसको हम इससे बोल सकते हैं जब हमारी ये वाली टर्म कांस्टेंट होती है तो हम ये लिख सकते हैं ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल जो वॉल्यूम है ना हम वो फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा वी टोटल होगा वो होगा तीनों चैम्बर में जितना वॉल्यूम है उसको प्लस करेंगे, 1.5, 1 and 2, ठीक है। इसको प्लस करोगे जब तो क्या बनेगा, 4.5 लीटर्स बनेगा टोटल वॉल्यूम हमारा, ठीक है। अब हम प्रेशर निकालेंगे फॉर CO2। तो जो प्रेशर निकालेंगे फॉर CO2 जो निकालेंगे हम, वो क्या हो जाएगा, पी, तो बेसिकली वो हमारा पी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल ये वाला बाय वी फाइनल, है ना। तो पी इनिशियल जो हमारा था वो कितना यहाँ पे गिवन है, 2.13 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम जो है वो हमें दे रखा है 1.5 लीटर्स। और जो पी फाइनल होगा मतलब ये जो वी टोटल हमने निकाला है वही वी फाइनल होगा, तो हमारा ये आ जाएगा 4.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये बनेगा 0.710 एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है PH2। तो इसके लिए क्या होगा, पी फाइनल इज इक्वल्स टू वही पी इनिशियल पी वाई ये वाला फॉर्मूला सेम लगेगा। तो हमारा पी इनिशियल 0.861 एटमॉस्फेयर 1 लीटर डिवाइड बाय 4.5, ये हमारा आता है 0.191 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो हमारा थर्ड है वो है पी आर्गन, उसका भी पी फाइनल करके वही सेम फार्मूला लगाएंगे। इसमें वैल्यूज जो पुट होंगी वो होगी 1.15 × 2 डिवाइड बाय 4.5, यहाँ पे ये हमारा गिवन है। ये जो आएगा ये आएगा 0.511 एटमॉस्फेयर। तो हमें इनसाइड द सिस्टम निकालना था, तो इनसाइड द सिस्टम लगाना है तो जो हमारा डाल्टन्स लॉ होता है वो क्या होता है, डाल्टन्स लॉ होता है कि पी टोटल किसके इक्वल होता है, जो हमारी सारी ये जो तीनों हमने निकाला है उनका प्रेशर गैसेस का, H2 प्लस पी आर्गन। तो इसको जब हम टोटल करेंगे इन सब वैल्यूज़ को, 0.170, 0.190, ठीक है, इन सब को करेंगे कैलकुलेट, तो ये बनेगा 1.412 एटमॉस्फेयर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल जो सिस्टम का एटमॉस्फेयर है वो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।